हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आज बनाने जा रही हूँ एक और नई डिज़ाइन का डोरमेट मेट जिससे बनाने के लिए देखिए मैंने बची हुई बूल ली है आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हैं बूल को मैंने डबल किया हुआ है अगर आपके पास मोटी बूल है तो आप सिंगल बूल से भी बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने देखिए ये नाइन नंबर सलाई ली हुई है तो सबसे पहले मैं रेड कलर से इसमें फंदे डालूंगी फंदे बिल्कुल मैं सिंपल बताऊंगी आपको जो बिगनर्स भी डाल सकते हैं और जो लोग डाल लेते हैं वो अपने हिसाब से इसमें फंदे डाल के कंप्लीट कर दीजिए तो देखिए इस तरह से देखिए ऐसे किया ये देखिए दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ इस तरह से मैं फंदे ले लेती हूं ये देखिए मैंने यहाँ पे चौबीस फंदे ले लिए हैं अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से फंदे ज्यादा ले लीजिए तो यहाँ पे मैंने ट्वेंटी फोर फंदे लिए हैं और फर्स्ट रो हम पूरी उल्टा बनाएंगे एक रो इधर से और एक उधर से इस तरह से ये रो हम बना लेते हैं इधर से भी हम उल्टा बुन लेंगे इसको ये देखिए मैंने दोनों तरफ से एक एक रो बना ली है आप देखिए यहां कंगूरा बनाएंगे तो उसके लिए हम फंदे बढ़ाएंगे तो फंदे देखिए ऐसे बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच ये देखिए पांच फंदे का अगर आप यहाँ पे कंगूरा बनाना चाहते हैं तो आप पांच फंदे बढ़ाइए हम यहाँ पे आपको आठ फंदे का बताएंगे छ सात आठ ये देखिए इस तरह से आठ फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए और देखिए अब हम यहाँ पे तीन तीन के पेयर से फंदे छोड़ेंगे अगर आपको कली चौड़ी चाहिए तो आप दो दो के पेयर से भी छोड़ सकते हैं यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे ये हमने जो कंगूरे के लिए बढ़ाए हैं वो वाले हो गए उसके बाद देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्कीस फंदे बुन लिए तीन बिना बुने छोड़ दिए बुल को इधर किया और यहीं से इसको हम वापस कर लेंगे और ये रो हम पूरी उल्टा बुनेंगे लास्ट तक ये देखिए इधर की रो कंप्लीट हो चुकी है अब देखिए यहां पे एक और दो ये दो रो आ गई हैं और यहां ये यह एक आई हुई है क्योंकि यहां पे मैंने एक रो निकाली हुई थी पहले से तो अब हम इन फंदों को घटा देंगे कंगूरे वाले फंदे जो हैं इनको हम घटाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे मैंने घटा दिए यहाँ पे. तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे कंगूरे पड़ेंगे इसमें अब देखिए तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह फंदे बुने तीन बिना बुने छोड़ दिए क्योंकि ये तीन के हिसाब से मैं छोड़ रही हूं और मैंने भूल को इधर किया सिलाई को पलट लिया यहां से पूरी रो हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे ऐसे इधर से पूरी रो कंप्लीट हो चुकी है उल्टे तरफ से आप देखिए यहाँ पे मैं फिर से फंदा बढ़ाऊँगी तो देखिए उंगली को हमने ऐसे किया यहाँ से ऐसे मोड़ लिया ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे मैंने ये बढ़ा लिए और यहाँ से हम इनको उल्टा बनाएंगे ऐसे दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ ये बुन लिए। अब यहाँ से देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे बुने तीन बिना बुने छोड़ दिए बुल को इधर किया और मैंने सिलाई को पलट लिया इस तरह से तीन तीन फंदे छोड़ते हुए जाना है इस रो को हम कंप्लीट करेंगे ये देखिए उल्टे तरफ से ये रो कंप्लीट हो चुकी है और देखिए यहाँ पे इस तरह से तीन और तीन छः तीन नौ नौ फंदे छूट गए हैं अब यहाँ से हम इन फंदों को घटा देंगे ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे घटा दिए उसके बाद देखिए अब हम यहाँ से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे बुने तीन बिना बुने छोड़ दिए और भूल को इधर किया सलाई को मैंने पलट लिया यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बुन लेंगे ऐसे ही तो हम ये रो कंप्लीट कर लेते हैं ये रो कंप्लीट हो गई उल्टे तरफ से अब यहाँ पे हम फिर से फंदा बढ़ा लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब हम यहाँ से उल्टा बना लेंगे ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ बंदे बनाए उसके बाद देखिए डिजाइन के फंदे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे बुने तीन बिना बुने छोड़ दिए और यहीं से हमने पलट लिया इसको अब इस रो को हम पूरा ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे उल्टा इधर की रो कंप्लीट हो गई अब देखिए इन फंदों को हम फिर से घटा देंगे ऐसे ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ये देखिए आठ फंदे हमने कर लिए उसके बाद देखिए दो एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे बुने तीन बुना बने छोड़ दिए यहीं से हमने पलट लिया और इस रो को हम उल्टा बुनेंगे ये देखिए ये छः फंदे उल्टे बना लिए आप देखिए यहाँ से हम फिर से फंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए आठ फंदे बढ़ा लिए अब इन फंदों को हम फिर से उल्टा बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच सात आठ ये देखिए आठ के बाद देखिए एक दो तीन तीन फंदे बुने और तीन बिना बुने छोड़ दिए से हमने पलट लिया आप देखिए यहां से पूरी रो हम उल्टा बनाएंगे इधर की रो में कुछ नहीं करना होता सिर्फ उल्टा बना के ये कंप्लीट करनी होती है तो देखिए ये रो कंप्लीट हो गई उल्टे तरफ से अब देखिए यहां पे हम इन फंदों को घटाएंगे तो देखिए ये एक दो तीन चार पांच सात आठ ये देखिए आठ फंदे ये मैंने घटा दिए और देखिए इस फंदे को हम इस पे ले लेंगे ऐसे अब देखिए यहाँ पे मैंने देखिए तीन तीन करके ये सभी फंदे मैंने टोटल यहाँ तक चौबीस फंदे छोड़ दिए और देखिए ये चार कंगूरे हमारे बन गए हैं एक दो तीन चार यहाँ पे एक कली हमारी कंप्लीट होती है अब देखिए हम यहाँ से अगली कली बनाने के लिए देखिए यहाँ से हम पूरी रो उल्टा बना लेंगे ऐसे इस तरह से लास्ट तक ऐसे ही बुनते हुए जाएंगे इस तरह से देखिए पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे ऐसे ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये चौबीस फंदे थे मैंने चौबीस फंदे बना लिए हैं अब देखिए हम सलाई को पलट लेंगे और यहाँ से उल्टे तरफ से दूसरी कली बनाएंगे तो हम कलर ऐड करेंगे ये देखिए येलो कलर ऐड कर रहे हैं आप अपने हिसाब से इसमें कलर लगा सकते हैं तो देखिए इस धागे को हम इसी में दबाते हुए ऐसे आगे तक ले जाएंगे ताकि ये खुले नहीं और पूरी रो हम ऐसे ही बना के कंप्लीट करेंगे इधर से ये बिल्कुल सिंपल है बहुत ही जल्दी बन के कंप्लीट होता है ये देखिए ऐसे यहां पे देखिए लास्ट तक मैंने ये बना लिया आप देखिए यहां से हम सेकंड कली स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहां से फंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ आठ फंदे मैंने बढ़ा लिए अब देखिए यहाँ से फिर से डिजाइन स्टार्ट होगी तो तीन फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो यहाँ पे हम उल्टा बना लेंगे ऐसे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से हम पूरी रो लास्ट के तीन फंदे रहने तक उल्टा बुनेंगे ऐसे आप इसमें जितना मर्जी कलर लगा सकते हैं इसको आप बचे बचे वूल से भी बना सकते हैं छोटे छोटे गोले बच जाते हैं उसका भी आपका यूज हो जाएगा और ये टेबल मेट या डोर मेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा ये देखिए लास्ट तक मैंने बना लिया ये देखिए लास्ट में हमने तीन फंदे बिना बुने छोड़ दिए यहीं से हम पलट लेंगे और इस रो को हम इधर से पूरा उल्टा बनाएंगे ऐसे तो हम ये रो कंप्लीट करते हैं ये देखिए इधर की रो पूरी कंप्लीट हो चुकी है अब देखिए हम इन फंदों को घटा देंगे ऐसे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये देखिए ये आठ फंदे तक मैंने इसको बना लिया अब यहाँ से देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह फंदे बुने और तीन बिना बुने छोड़ दिए भूल को ऐदल किया और अब हम सलाई को पलट लेंगे और देखिए इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पे हम तीन फंदे छोड़ते जाएंगे और ये डिजाइन डालते हुए कंगूरे यहाँ पे ये चार कंगूरे फिर से डाल के मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने ये येलो कली बना ली है अब देखिए यहाँ से एक दो तीन चार चार ये डिजाइन पड़ गई है और देखिए अब यहाँ से मैंने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली उल्टे तरफ से मैं तीसरा कलर ऐड करूंगी आप जितना मर्जी इसमें हर कली अलग अलग कलर से बना सकते हैं या फिर इसको तीन कलर से भी बना सकते हैं तो इस तरह से मैं इसको बना के कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू